वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज ने, धन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह ने बहुत ही वड्डी कृपा करके, बहुत त्रुट के जो सचखंड श्री हरिमंदर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब के मुख सेवादार की जी सेवा चोली में पाई है, वह गुरु चरणों में अरदास है। मत्था टेक के गुरु चरणों में यही अरदास कर रही है कि सतगुरु जी तेरा कीता जातो नाही मैनू योग कीतोई। सतगुरु कृपा करके आप ही सानू इस योग कर लो कि असी ये जिहड़ियां सेवावां ने निभा सकी, क्योंकि गुरु की कृपा तो बिना संगत की असी संगत के सहयोग तो बिना ये सेवावां जिहड़ियां ने नहीं कीतियां जा सकदियां। गुरु आप ही कृपा कर दे ते सेवा की जा सकती है। देखो बहुत सारिया अपीलां पंथ नूं पहलां भी कीतियां जांदियां, हुण भी करांगे, और जागरूकता मुहिम जिहड़ी है वह ऐसी चलाउण दा यतन करांगे कि जिहड़ी जागरूकता संगत दे विच पैदा कीती जाए, प्रबंधकों के जागरूकता पैदा की जाए, तो कि गुरु साहब की जिहड़ी पहरेदारी है उन्हों लाजमी किया जाए। जेकर गुरु साहब की पहरेदारी लाजमी नहीं की जा सकती तो यह बड़ा औखा है कि दिव्यंगियों में असं रोक पाइए। एक प्रचार और जागरूकता मुहिम जी है वह शुरू करके संगत को इस तो जाणू करवावे। नौजवान पीढ़ी जी है पतत पुणे वाल जा रही है, नशे वाल जा रही है, किस तरह आप वापस लियाँगे कि खालसा वीर वर्गी कोई भी श्री अकाल। देखो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के धर्म प्रचार कमेटी वालों बहुत सारे यतन ऐसे किए जाते हैं, और थां थां पर असं अपने जो साहब ऑफिस भी खोले हुए हैं, धर्म प्रचार के केंद्र असं बनाए हुए हैं, उतों प्रचार किया जाता है, और वड्डी गिणती में पंज प्यारे साहिबान श्री अकाल तख्त साहब तो होर तख्त साहबाना तो पंजाब पंजाब तो बाहर हिंदुस्तान तो बाहर भी अमृत संचार करने वास्ते लोड़ पैंदी है, जाते हैं। धर्म प्रचार की लहर में होर प्रचंड करने का यत्न किया जाएगा, और ताकि जिहड़े साडे नौजवान बच्चे जो पत तो हो रहे हैं ज नशे की वरतों कर रहे हैं उन्होंने जिहड़ा वो सिखी स्वरूप और सिखी दे मार्ग वल जिहड़ा वो तोरिया जाए। पंजाब तो बाहर सिख वसते हैं, विदेशों से वसते हैं, उन्हां दी वड्डी आसां जिहड़ी अकाल तख्त साहब तो होंदियां ने, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੌਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਰਪੰਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ।